नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश भर में आई प्राकृतिक आपदा से भारी जानमाल के नुकसान के मामले को लेकर राज्य के मुख्य सचिव से उनके कार्यालय में मुलाकात कर दैवीय आपदा प्रभावितों को मुआवजा दिए जाने तथा आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों का उचित विस्थापन किए जाने की मांग के साथ ही खटीमा स्थित शहीद स्थल के लिए आवंटित भूमि का यथावत रखे जाने की मांग की। मुख्य सचिव को सौंपे ज्ञापन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बरसात से राज्य के कई जनपदों में लोगों के जान माल की भारी क्षति हुई है, जहां एक और पर्वतीय क्षेत्रों में अतिवृष्टि एवं बादल फटने की घटनाओं के कारण भारी जनहानि हुई है तथा कई लोगों को असमय काल कलिवित होना पड़ा है। वहीं मैदानी जनपदों में बरसात का पानी लोगों के घरों में घुसने के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है। राज्य भर में लगातार हो रही भारी बरसात एवं अतिवृष्टि से राजधानी देहरादून के कई क्षेत्रों में भी भारी नुकसान के समाचार मिले हैं। देहरादून महानगर के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मौसम विभाग की पूर्व चेतावनी के बावजूद राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दैवीय आपदा संभावित क्षेत्रों में समय रहते सुरक्षा के कोई प्रबंधन नहीं किए गए हैं तथा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप आने वाले दिनों में होने वाली भारी बरसात में प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की जानमाल की सुरक्षा का खतरा बना हुआ है, जिसके लिए समुचित कदम उठाए जाने नितांत आवश्यक है। जिस तरीके से बरसात के इस मौसम में पूरे प्रदेश के अंदर दैवीय आपदा ने जो है तमाम चीज़ों को ध्वस्त करने का काम किया है। पर्वतीय क्षेत्र में हालात ये हैं, स्थिति ये है कि वहाँ पर कई सड़कें बंद हैं, कई लोगों के मकान और जो खेत हैं वो जमींदोज हो गए हैं, कई लोगों के कारण टूटी हुई है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला और मुंशारी में जिस तरीके से वहाँ पर देवी आपदा में तांडव मचाने का काम किया है, सरकार ने कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की। सरकार का देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से विफल है। आज हम चीफ सेक्रेटरी से मिले हैं कि भाई जो देवी आपदा प्रबंधन है उसको मजबूत करें और जो क्षति उसकी भरपाई करें। और मैदानी क्षेत्रों में तो ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि नदियों में जिस तरीके से उफान आया है, नालों में जिस तरीके से उफान आया है, उससे बहुत क्षति हुई। मैं कैंट विधानसभा में भी गया, राजपुर विधानसभा में भी गया और मसूरी और रायपुर में बहुत क्षति हुई है। लोगों के घर में जो है मलबा घुस गया, कई लोगों के तो मकान क्षतिग्रस्त हो गया, लाखों लाख की क्षति हुई है, लेकिन सरकार इसको जो है गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहिए उत्तराखंड खबर के साथ। धन्यवाद।